नमस्कार दोस्तों, यूं तो भारत में त्योहारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक त्योहार ऐसा है जिसका इंतजार इस मुल्क के हर नेता को बड़ी बेसब्री से होता है। ये हर साल नहीं आता, बल्कि कभी कभी तो 5 साल में सिर्फ 1 या 2 बार आता है। इस त्योहार का नाम है चुनाव। बहुत ही निराला त्योहार है ये। ना तो इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ना ही इस दिन कोई उपवास रखा जाता है, लेकिन जब भी आता है तो कई भगवान अपने अपने मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के दरवाजे पर खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, हर दिल पर दस्तक देने की कोशिश करते हैं, बिन मांगे ही ढेरों वरदान देने के वादे किए जाते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, इनमें से कई तो सीधे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद सालों तक अपने बैकुंठवास से बाहर नहीं आते, लेकिन चुनावों के बाद और अगले चुनावों से पहले जो राजनीति पर्दे के पीछे होती है वो अक्सर बहुत कम पता चलती है। हरियाणा की राजनीति के इन्हीं दाव पेंचों का इतिहास हम आपको बताते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। अभी तक आपने देखा 1989 से लेकर 1991 तक केंद्र में 2 सरकारें बनी और गिरी। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की, फिर चंद्रशेखर सिंह की। इन 2 सालों में चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, जबकि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला ने इतने ही दिनों में 3 बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। केंद्र के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो उन्होंने एक बार बनारसी दास गुप्ता को, तो दूसरी बार मास्टर हुकुम सिंह को कुर्सी पर बिठा दिया। फिर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। पूरे देश में फैली सहानुभूति लहर की वजह से केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। केंद्र के साथ साथ हरियाणा की राजनीति में भी जनता दल का सूरज ढला तो हरियाणा में भी कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौट आई। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर खूब राजनीति हुई। जिस समय हरियाणा के चुनावों की घोषणा हुई, तब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह को राजीव गांधी के बहुत नजदीक माना जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आम मान्यता यही थी कि अगर चुनावों में कांग्रेस जीतती है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस जीत भी गई, लेकिन अब तक हालात काफी बदल चुके थे। देश अपने नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो चुका था। राजीव गांधी के न रहने से हरियाणा कांग्रेस में चौधरी बीरेंद्र सिंह के समीकरण बुरी तरह गड़बड़ा गए, या यूं कह लीजिए कि चौधरी भजन लाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आते ही विधायकों को अपनी तरफ खींचने में लग गए। कांग्रेस के 51 में से 43 विधायकों को वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब भी हो गए। इसके बावजूद चौधरी भजन लाल ने चौधरी बीरेंद्र सिंह से समझौता करने की कोशिश की और उन्हें पार्टी में नंबर 2 की पदवी का प्रस्ताव भी पेश किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह मान भी गए। उन्होंने वादा किया कि वो चौधरी भजन लाल के रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो चौधरी बीरेंद्र सिंह वोटिंग पर अड़ गए। शायद उन्हें लगा कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। खैर, इसमें नुकसान उन्हें ही हुआ। पूरे हरियाणा को पता चल गया कि उनके साथ सिर्फ 7 विधायक हैं। इस हार ने चौधरी बीरेंद्र सिंह का पार्टी में महत्व एकदम खत्म कर दिया। वैसे भी ये समय चौधरी भजन लाल का था। इन दिनों उन्होंने अगर कुछ और भी मांगा होता तो शायद उन्हें मिल गया होता। अभी तक चौधरी भजन लाल जब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, गांधी परिवार के रूप में आला कमान की तलवार हमेशा उनके सर पर लटकी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में चौधरी भजन लाल को न सिर्फ खुलकर हरियाणा पर राज करने का मौका मिल गया, बल्कि देश की राजनीति में उनका कद और भी बढ़ गया। और प्रभाव बढ़ते ही उन्होंने सबसे पहला निशाना पार्टी में उनका विरोध करने वाले विरोधियों को बनाया।
और चौधरी भजन लाल के मास्टर स्ट्रोक ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल भी दिल्ली में अपने घटते प्रभाव का एहसास कर चुके थे। इसी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई बड़े नेता, जो कल तक कांग्रेस के चमकते सूरज माने जाते थे, वक्त बदलते ही लुप्त हो गए। चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हो, या चौधरी वीरेंद्र सिंह, या फिर प्रोफेसर शेर सिंह, वहीं सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल जैसे कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ पाए बिना अपनी ऐसी पहचान बनाई थी कि जनता के दिलों में इनके लिए एक खास जगह बन गई थी। चौधरी बंसीलाल समझ चुके थे कि चौधरी भजन लाल के रहते वो कांग्रेस में अपनी पुरानी जगह नहीं पा सकते, और वो भी कांग्रेस छोड़कर बाहर आ गए। खैर, इससे चौधरी भजन लाल की एक मुश्किल अपने आप हल हो गई थी। अब उन्हें पूरे हरियाणा कांग्रेस में चुनौती देने वाला कोई नहीं था, केंद्र में भी उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। साथ ही अब उनका बेटा चंद्रमोहन और पत्नी जसमा देवी भी राजनीति में उनका साथ दे रहे थे। लेकिन उनका ये संग देश की राजनीति में बढ़ता उनका कद, उनकी रणनीति के सारे मास्टर स्ट्रोक भी अगले चुनाव में उनके काम नहीं आए। जनता की अदालत में चौधरी भजन लाल को एक बार फिर नकार दिया गया। आखिर 1996 के चुनावों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चौधरी भजन लाल की हार हुई, और चौधरी बंसी लाल ने ऐसे कौन से पासे फेंके जो वो बिना कांग्रेस के नाव पर बैठे एक बार फिर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बन गए। इनसे जुड़ी और भी कई कहानियां आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन दिनों हरियाणा में कई नए सूरज उगे। यहां की राजनीति में अगली पीढ़ी के कई नए नेताओं ने अपने मजबूत कदम रखे। ओम प्रकाश चौटाला इस क्रम में सबसे पहले शख्स थे। उनके बाद कई पुराने राजनीतिज्ञों की अगली पीढ़ी ने हरियाणा की राजनीति में कदम रखा। हरियाणा के लोगों ने ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका स्वागत दिल खोल कर हुआ। इनमें एक नाम कुमारी शैलजा का था, जो कि पुराने कांग्रेसी नेता दलबीर सिंह की बेटी हैं। तो वहीं राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह ने भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दस्तक दे दी थी। इनके अलावा तीसरा बड़ा नाम सामने आया, कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला। इसके अलावा चौधरी रणदीप सिंह हुड्डा के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गईं। इन सब का सरोकार जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति से था, तो राज्य की राजनीति में भी हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन कालका सीट से विधायक बन चुके थे। बड़े नेताओं के इन सभी वारिसों ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक सुरक्षित सीट से की थी, जहां उनके पिता के किए कामों का फायदा उन्हें मिला था। लेकिन चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इन सबसे पहले ही राजनीति में धमाका कर चुके थे। उन्होंने 1991 में अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन हरियाणा से नहीं, बल्कि राजस्थान की दातारामगढ़ सीट से, जहां ना इनके परिवार की विरासत का कोई जादू था और ना ही मुकाबला आसान था। लेकिन तब भी उन्होंने कांग्रेस के हैवीवेट कैंडिडेट नारायण सिंह को हरा दिया, जो कि अभी तक 9 बार यहां से चुनाव जीत चुके थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दूसरी बार नौहर विधानसभा सीट से विजयी होकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। इस तरह वो राजस्थान से 2 बार चुनाव लड़े और जीते। दोनों बार इनके समर्थन से ही राज्य में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बन पाई। राजस्थान सरकार में इन्हें मंत्री और स्पीकर बनने का ऑफर मिला, लेकिन चौधरी देवीलाल की बात को मानते हुए अजय चौटाला ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। अजय चौटाला ने चुनाव तो लड़ा राजस्थान से, लेकिन इसका असर पड़ा हरियाणा की राजनीति पर। जहां पुराने नेताओं की अगली पीढ़ी सामने आई, तो कई पुराने नाम गायब हो गए। लेकिन विपक्षी पार्टियों में अभी भी चौधरी देवीलाल और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। खैर, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं नए सितारों की।
इनमें से अगर किसी एक नाम ने हरियाणा के आने वाले दिनों की राजनीति को बदला था तो वो नाम था चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह का। चौधरी भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के दोनों सबसे बड़े नेता चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल कुछ दिनों तक तो बिल्कुल शांत रहे। चौधरी देवीलाल पर जहां एक तरफ उम्र का असर पड़ रहा था तो दूसरी तरफ चुनावों में उनकी पार्टी की हार ने भी उनके समर्थकों का विश्वास हिलाकर रख दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा उनकी पार्टी पर उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए पारिवारिक विवाद का। ओम प्रकाश चौटाला के बाकी दोनों भाइयों चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी प्रताप सिंह की पार्टी से विदाई हो चुकी थी। उनके जाने के बाद पार्टी में जितने भी उनके समर्थक और बड़े नेता थे वो भी पार्टी की हार के बाद धीरे धीरे पार्टी से बाहर हो रहे थे। इन सब वजहों से एक तरफ जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कमजोर हो रही थी तो दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल की ताकत बढ़ रही थी। चुनावों के तुरंत बाद चौधरी बंसीलाल कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुके थे। जनता में उनकी छवि भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह के आ जाने से न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा बल्कि हर रोज उनकी ताकत भी बढ़ती चली गई। सिर्फ कुछ ही दिनों में चौधरी बंसीलाल ने तिनका तिनका करके मजबूत घोंसला तैयार कर लिया जिसका नाम रखा गया हरियाणा विकास पार्टी। इस पार्टी को बनाने में उन्हें सबसे पहला सहारा मिला जिंदल ग्रुप से जुड़े उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल का, जो कि चौधरी भजनलाल की नीतियों से काफी परेशान थे। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल से निकले नेताओं को भी हरियाणा विकास पार्टी के नाम पर एक आसरा मिल गया। इसके बाद उनकी पार्टी से एक बड़ा नाम जुड़ा, जींद के युवा और कद्दावर नेता चौधरी जयप्रकाश का। अभी तक भले ही किसानों का झुकाव इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ ही था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के भी हरियाणा विकास पार्टी से हाथ मिला लेने से कई किसान अब हरियाणा विकास पार्टी की तरफ मुड़ गए थे। इन सारी कामयाबियों के बाद चौधरी बंसीलाल का अगला निशाना था देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव से पहले गठजोड़। इस मसले पर भाजपा में दो मत थे। हरियाणा के लोकल नेता जहां इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाने के पक्षधर थे, वहीं डॉक्टर स्वरूप सिंह भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी के गठजोड़ की कोशिशों में लगे थे। और आखिरकार डॉक्टर स्वरूप सिंह की लाल कृष्ण आडवाणी से दोस्ती रंग लाई, जिसकी वजह से राज्य में भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी का चुनावों में साथ साथ उतरने का समझौता हो गया और ये चौधरी बंसीलाल की बड़ी जीत मानी जाती है। लेकिन जनता के बीच किसी बड़े नारे या वादे के बिना जाना अभी बाकी था और चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में सत्ता में आने पर शराबबंदी का नारा भी दे दिया, जो उस समय तो हरियाणा की जनता और खास तौर पर महिलाओं को काफी लुभावना लगा। इस वादे के फलस्वरूप आर्य समाज से जुड़े लोग भी चौधरी बंसीलाल के साथ आ गए। इस नारे से चौधरी बंसीलाल का सितारा हरियाणा में एकदम बुलंदियों पर पहुंच गया, जिसका चौधरी बंसीलाल को तत्कालिक फायदा भी मिला। और इन सब वादों और हर तरफ से दूसरों से गठजोड़ करके चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जादुई आंकड़े के बहुत नजदीक पहुंच गए। 90 में से हरियाणा विकास पार्टी ने अकेले 33 सीटें जीती तो उसकी सहयोगी भाजपा ने भी दर्जन का आंकड़ा छू लिया था। अब चौधरी बंसीलाल के लिए सरकार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था और कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ मिलाकर चौधरी बंसीलाल अपनी सरकार बनाने में कामयाब भी हो गए। इन चुनावों से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो थे चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल भले ही राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर कभी भी अपनी पकड़ बनाने की कोई कोशिश नहीं की और न ही उन्होंने कभी किसी विधायक या अपने समर्थक को गलत रास्ते पर जाने से रोका।
बल्कि अगर उन दिनों राज्य में कोई वीआईपी किसी वजह से किसी मामले में फंस जाता तो चौधरी भजन लाल उसे भी बचाने की कोशिशों में लग जाते। इन सारी वजहों से शासन पर सरकार की पकड़ बहुत कमजोर होती चली गई और इसका खामियाजा उन्हें 1996 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा, जिसके बाद उनकी पार्टी मुश्किल से 9 या 10 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस से ज्यादा ये चौधरी भजन लाल की हार थी, क्योंकि इस बार उनके सर पर आला कमान की कोई तलवार भी नहीं थी, बल्कि उन्हें तो टिकट बंटवारे तक की खुली छूट मिली हुई थी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो चौधरी भजन लाल के पैर तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सबसे खास खास नाम भी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। भले ही इंडियन नेशनल लोकदल इस बार भी सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन इन चुनावों से उसे एक नई ऊर्जा मिल गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को इन चुनावों में 20 सीटें मिली थी और उन्हें सदन में विपक्षी दल के मुख्य नेता का पद। इसी के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाने में जुट गए, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी तो, लेकिन शराबबंदी के उनके चुनावी वादे का क्या हुआ? उनके साथियों से उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? चौधरी बंसीलाल की सरकार बनने के बाद की पूरी कहानी हम आप तक लेकर आएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे हरियाणा में शराबबंदी के वादे और कई नए साथियों से हाथ मिलाकर चौधरी बंसीलाल ने 1996 में अपनी सरकार बना ली थी। हरियाणा विकास पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार से चौधरी भजन लाल एकदम हाशिए पर आ गए थे। केंद्र में श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सभी बड़े फैसलों को अपने हाथ में ले लिया था और यही चौधरी भजन लाल की सबसे बड़ी हार थी और दुखती रग भी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे उनके कई पुराने विरोधी भी अब कांग्रेस में लौट आए थे। सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह ही नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला को भी अब उनके खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिल गया था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अभी कोई जोखिम लेने की हालत में नहीं थी। उसे शायद इंतजार था तो सही वक्त का। कुछ दिनों पहले तक चौधरी बंसीलाल बहुत कमजोर थे, हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब हो चुके थे। लेकिन कल का वही शख्स 1996 के चुनावों के बाद हरियाणा की नई कहानी लिखने जा रहा था। पहले चुनावों में ही जीत के साथ उन्होंने अपने वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया और कुर्सी पर बैठते ही राज्य में पूरी तरह शराबबंदी को लागू कर दिया। हरियाणा में जितने भी ठेके थे न सिर्फ वो बंद कर दिए गए, बल्कि बार और रेस्तरां में भी शराब को पूरी तरह बैन कर दिया गया। लेकिन जनता में शराबबंदी का अब कुछ और ही असर पड़ने जा रहा था। कुछ दिनों तक तो शराबबंदी कामयाब रही, लेकिन बाद में इसने कुछ और ही रूप ले लिया। बॉर्डर से जुड़े शहरों और गांवों में शराब की तस्करी काफी बढ़ गई थी। इसकी स्मगलिंग के नए नए तरीके खोजे गए, शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हो गई। राज्य में शराब की तस्करी के साथ माफिया भी अपने पांव पसारने लगा। मतलब एक बुराई का अंत करने की कोशिश में कई नई बुराइयों ने जन्म ले लिया। छुरेबाजी और गोलियां चलने जैसी वारदातें आम होने लगी। शराबबंदी तो राज्य में बस एक मजाक बनकर रह गया था। तुम्हारे हरियाणा में आकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। यहाँ शराब की बोतल तो दूर एक बूंद शराब भी नहीं मिलती। अच्छा है ये ना, अब यहीं पर रह के सुधरेंगे। सुधरेंगे? अजी मेरी मानिए और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अरे भाभी आपको नहीं पता, इनकी शराब की लत ने घर को नरक बना रखा है। पता है 2 बार नाली में पड़े हुए मिले। बहन जी आप तो नाली की बात करती हैं। अरे अगर ये यहाँ हरियाणा में होते ना तो किसी गटर में ही पड़े मिलते। यहाँ का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। हरियाणा में कम से कम छोटे छोटे बच्चों में तो ये बीमारी नहीं थी, और अब तो 15-16 साल की उम्र के बच्चों को ही ले लो, उनमें भी ये बीमारी लग चुकी है। उनको भी शराब की लत पड़ चुकी है। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। एक महान इंसान ने कहा है
जो तुम किसी चीज को दिल से चाहो ना, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और फिर तो ये हरियाणा है, और जिस चीज को तुम चाहो वो शराब भी तो है। बात तो सही है यार, लेकिन मैंने पूरे बाजार में देख लिया, मुझे शराब की एक दुकान भी नजर नहीं आई। अभी आ जाएगी, और जो तू बोले तो दुकान आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो। ये लो, ये रही तेरी बोतल। ले भाई, ये अपने पीछे आ गई तुम्हारी बोतल। अब आएगा मजा। देखा देखा बहन जी आपने, मैंने आपसे कहा था ना, ये बीमारी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। वाह, मैंने तो सुना है कि हरियाणा में शराब बैन है, यहाँ पर शराब की दुकानें और सारे मैखाने बंद हो चुके हैं। पुलिस थाने तो खुले हैं, जब चाहो ले आओ। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने अभी बोतल का ढक्कन ही खोला है और तुम्हें अभी से चल गई। मेरे यार, कौन से जमाने में जी रहा है तू? लगता है तुझे मालूम नहीं हमारा हरियाणा कितना विकास कर रहा है, और इसी विकास के चलते यहाँ शराब दुकानों पे नहीं मिलती, बस एक फोन कॉल करो सीधा घर ही आ जाती है। वाह, मेरे दोस्त का हरियाणा खूब विकास कर रहा है। भाभी, आप लोग यहाँ पे जी कैसे रहे हैं? पुलिस ने शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की तो चौधरी बंसी लाल को इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। कई युवकों को शराबबंदी की तस्करी में पकड़ा गया, और जो नवयुवक अपने परिवार की उम्मीद थे उनका भविष्य धुंधला हो गया। जबकि दूसरी तरफ शराब की तस्करी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके विरोधी तो ये तक कहते हैं कि शराब की तस्करी में सबसे ज्यादा तो खुद चौधरी बंसीलाल का बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह ही लिप्त था, वरना चौधरी बंसीलाल कोई कमजोर मुख्यमंत्री नहीं थे। वो अगर चाहते तो शराबबंदी को पूरी तरह कामयाब बना सकते थे, लेकिन शायद अब चौधरी बंसीलाल भी वो बंसीलाल नहीं रहे थे जिन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता था। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरह हरियाणा का विकास किया था, वो विकास, उनके काम करने का वो अंदाज, उनके इस कार्यकाल में पूरी तरह गायब था। कुछ साल पहले उन्होंने हरियाणा के हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाई थी, आज उसी हरियाणा में सिर्फ कुछ ही घंटे बिजली आती थी। जो सड़कें हरियाणा के शान कही जाती थी, चौधरी बंसीलाल के इस कार्यकाल में जर्जर हो चुकी थी। एक तरफ जहां सरकार को शराब के बैन होने की वजह से टैक्स का नुकसान हो रहा था, तो दूसरी तरफ इसकी वजह से राज्य में कई आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई। लोग टैक्स चुकाने से बचने लगे। गांवों और शहरों में कई प्रभावशाली लोगों ने अपनी प्राइवेट बसें चलाना शुरू कर दिया। इन सब वजहों से चौधरी बंसीलाल की पार्टी से सिर्फ जनता का ही नहीं, उन नेताओं का भी भरोसा उठ चुका था जो कुछ ही दिनों पहले उनकी पार्टी से जुड़े थे। जबकि दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल की माने तो हरियाणा में उनकी पार्टी की स्थिति खराब होने की वजह भी यही गठजोड़ और दूसरी पार्टियों से जुड़े नेता थे, जिन पर वो चाहकर भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। भाजपा और हरियाणा विकास पार्टी के विधायकों में मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। राज्य के भाजपा नेताओं का वैसे भी ज्यादा झुकाव इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ था, तो दूसरी तरफ केंद्र में भाजपा का हरियाणा विकास पार्टी सरकार से मोह भंग होता जा रहा था। कुछ दिनों पहले जो सितारे बंसीलाल की छाती पर शान से चमक रहे थे, आज उन्हें ढोना उनकी मजबूरी बन गई थी।